हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बार फोन कर चुका हूँ, वो फोन उठा क्यों नहीं रही है? क्या हुआ होगा? चलो एक बार और फोन करके देखता हूँ। 9 8 2 0 3 1 1 2 4 1 क्यों नहीं रही है? क्या हुआ होगा? घर में फोन करके देखता हूं। 3 2 1 9 8 3 2 हेलो, देखिए मैं ऑटम बुटीक से बोल रहा हूँ। शीतल जी का घर है ना ये? जी, मेरा नाम जगदीश है, मैं शीतल का पति बोल रहा हूँ। क्या काम है आपको शीतल से? देखिए मैं ऑटम बुटीक से बोल रहा हूँ। शीतल जी ने कुछ हफ्ते पहले मेरे यहाँ से कुछ कपड़े खरीदे थे। उनका पेमेंट रहता है, पेमेंट उन्होंने किया नहीं, तो उसी सिलसिले में मैंने फ़ोन किया था। देखिए इस समय तो वो घर पर नहीं है। देखिए मैं कई दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ पर वो मिल नहीं रही है। प्लीज़ आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो वापस कब आएंगी? जी वो इस वक्त मुंबई से बाहर गई हुई हैं किसी ज़रूरी काम से। एक महीने के पहले तो वापस नहीं आएंगी। एक महीना? लेकिन देखिए आप अपना बिल मुझे भेज दीजिए, मैं आपका बिल भर दूंगा। ओके, थैंक यू। झूठ बोल रहा है, बाहर गई है, जरूर कुछ गड़बड़ है, पुलिस को बताना ही चाहिए। आइए। आइए आइए। यही है वो जो आपसे मिलना चाहते हैं सर। हाँ मिस्टर राज, कहिए आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मिस्टर जगदीश कुमार। हाँ बैठिए। तो उनकी पत्नी शीतल, शीतल के बारे में कुछ कहना चाह रहा था सर। क्या सर? मुझे डर है कि कहीं जगदीश ने शीतल को कुछ करना दिया हो। कुछ करना दिया हो? हाँ, कहीं उसने शीतल की जान ने ले ली हो। ओ, आपका जगदीश कुमार की पत्नी से क्या लेना देना? देखिए एसीपी साहब, मैं एक मैरिज काउंसलर हूं। यू नो, पति पत्नी में जब अनबन होती है
तो हम लोग सलाह देते हैं, कोशिश करते हैं कि दोनों में फिर से सुलह हो जाए। बस इसी सिलसिले में मिसेस जगदीश कुमार कुछ महीने पहले मुझसे मिलने आई। क्या पति पत्नी में आपस में कुछ झगड़ा है? झगड़ा? अरे उसका पति तो एक जबरदस्त शराबी है, अल्कोहलिक है सर। शराब के नशे में कई बार अपनी बीवी पर हाथ भी उठा चुका है, इसीलिए तो वो मुझसे मदद मांगने आई थी सर। फिर आपने क्या किया? मैंने तो सबसे पहले उसे यही कहा कि आप अपने पति को लेके आइए, आखिर समझाना तो उसे ही था। मगर वो कहने लगी कि मैं अपने पति से बहुत डरती हूँ। तब मैं क्या करता सर, मैं उसे यही समझाता रहा कि किसी तरह अपने प्रॉब्लम का सामना करो, कोई हल ढूंढो। मगर मैं सर इसी नतीजे पर पहुंचा कि वो एक ऐसी शादी में फंस चुकी है जिसमें सिवाय दुख के कुछ नहीं है। सर इतना सब हो जाता है और हमें आखिर में पता लगता है। मैंने तो उसे कह दिया सर कि ले लो तलाक, लेकिन शीतल की हिम्मत ही नहीं हुई सर। ऐसा तो नहीं कि शीतल जी को सलाह देते देते आप दोनों के बीच कुछ हो तो नहीं गया? हाँ सर, आपने ठीक कहा। लेकिन सर पहले तो वो मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त थी, मगर जैसे जैसे हम मिलते गए वैसे वैसे मैं उसे प्यार करने लगा। पिछले मंगलवार की बात है, हम दोनों लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में गए थे। राज, मैं तुमसे बातें करती हूँ ना तो मेरा दिल बहल जाता है, और ना इस टेंशन में तो मैं घुट घुट कर मर जाती। और रहने दो शीतल, चलो। तो हम कब मिल रहे हैं फिर? तुम बताओ। सैटरडे को तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, संडे का रखें। राज, हम लोग वीकेंड पे बाहर की नहीं जाते। बाहर? ए, अरे तुम वही हो ना? अरे तुम, अरे ये क्या बदतमीजी है? कौन आप? क्या चाहते हैं? अबे नाटक मत कर, सीधे सीधे बता कौन है तू। अरे छोड़, हमारा पीछा कर रहा था ना शीतल, ये हमारा पीछा कर रहा था, मैंने तेरे को देखा टैक्सी में, हम जब लोग रेस्टोरेंट आ रहे थे तब तू हमारा पीछा कर रहा था, और तू वहीं खड़ा था बाहर, अब फिर हमारा पीछा कर रहा। मैं तो अपना पेपर भर रहा हूं, मैं आपका पीछा क्यों करूंगा? पेपर जी ऐसे कितना चले, छोड़ मुझे। कौन है तू, कौन है तू? अरे पता चले, पता चले, पता चले, पता आप मेरे, मैं आदि ला सकते हैं। क्या ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या बता दीजिए? कौन है तू? क्या ये संदेश मित्रा, प्राइवेट डिटेक्टिव स्पेशलाइजिंग इन स्पोर्ट्स केसेस? छोड़ मुझे, जासूसी कर रहा क्या? छोड़, ये इसके लिए जासूसी कर रहा तू। शीतल, शीतल कुछ गड़बड़ है, तुम्हारे पति ने तुम्हारे पीछे जासूस लगा रखे हैं, वो नजर रखवा रहा है हम पर। ओह माय गॉड, राज, राज अब मैं क्या करूं? वो मुझे जान से मार डालेगा, मैं घर कैसे जाऊं, मैं क्या करूं राज? तुम परेशान मत हो शीतल, अरे छोड़ दो ना उसे और मेरे पास आ जाओ। मैं कब से तुम्हें कह रहा हूं तुम छोड़ो उसे। मैंने तो कहा शीतल को छोड़ो इसे, तुम मेरे पास चली आओ, मैं तलाक का इंतजाम करता हूं। मगर सर शीतल बहुत डरी हुई थी, उसने मुझसे ये कहा कि तुम मुझे फोन बिल्कुल मत करना, मैं ही दो चार दिन बाद तुम्हें फोन करूंगी। फिर फोन किया उसने? नहीं, उसका तो फोन आया ही नहीं। फिर सर मैंने ही उसके मोबाइल पर फोन किया, मैं सर रोज फोन कर रहा हूं लेकिन मोबाइल बज रहा है, कोई उठा नहीं रहा, मैं लगातार फोन कर रहा हूं। सर आप कुछ कीजिए सर, प्लीज। देखिए मुझे लगता है कि शीतल को कुछ हो गया है। साहब मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है, साहब आपको अगर पूछना है तो मेरे साहब से पूछिए साहब। अर्जुन कौन है? देखो अगर कोई शीतल मैडम के बिल लेके आया तो वो ले लो, उनसे कह दो कि मैडम शहर के बाहर गई हुई हैं, हम कुछ ही दिनों में उनके बिल भर देंगे। हम बिल लेने नहीं आए हैं, हम सीआईडी से हैं। किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आपकी पत्नी घर से गायब है। आपने कहा कि आपकी पत्नी शहर से बाहर गई है, कहाँ गई है? मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 5 दिनों से वो यहाँ नहीं है। अगर वो 5 दिनों से गायब हैं तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? क्योंकि वो गायब हुई नहीं है इंस्पेक्टर, ये बात मैंने किसी को बताई नहीं है। अब बताऊं भी तो क्या बताऊं, ये कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है। इसलिए जब भी किसी का फोन आता है तो मैं कह देता हूं कि मेरी बीवी शहर के बाहर गई हुई है। मिस्टर जगदीश, सच क्या है वो बताइए। पिछले 2-1 महीने से मुझे शीतल पर शक था, इसलिए मैंने उसके पीछे जासूस लगा दिया था। उस जासूस ने शीतल की काफी तस्वीरें खींची उस आदमी के साथ मंगलवार के दिन, ये हैं वो तस्वीरें। और उसी रात मैंने ये तस्वीरें शीतल को दिखाई, उससे पूछा कि ये आदमी कौन है। शीतल ने मुझसे कहा कि कोई उसका दोस्त है, राज नाम है उसका, मैरिज काउंसलर है जिसके पास वो हमारी शादी का दुखड़ा रोने जाती है। सब झूठ। अरे भाई अगर वो मैरिज काउंसलर है तो उसके ऑफिस में जाके मिले, रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत है? और क्या हुआ मंगलवार की रात को?
जी, हमारे बीच बहुत बहस हुई, बहुत गुस्से में था मैं। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, बहुत पी रखी थी मैंने, होश में नहीं था मैं। अच्छा, फिर? फिर अगले दिन बुधवार को सुबह जब मैं उठा तो शीतल घर में नहीं थी। बाद में उसका फोन आया था, उसने कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर जा रही है, उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। आपने उनसे पूछा नहीं कि वो कहाँ गई थी? जब मेरा गुस्से का मुझे ठिकाना नहीं था तो मैं उसे क्या पूछता। मैंने उसे कहा कि भाड़ में जाओ, कहीं भी जाओ तुम। फिर अगले दिन गुरुवार को जब मैं घर लौटा तो मेल बॉक्स में मुझे ये चिट्ठी मिली। जगदीश, बस अब और नहीं बर्दाश्त होता। बहुत सोचने के बाद मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया है। मेरा पीछा करने की या मेरा पता लगाने की कोशिश मत करना। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मैं किसी वकील को तुम्हारे पास भेजूंगी तलाक के लिए, शीतल। बस इसके बाद ना ही उसका फोन आया और ना ही वो घर वापस आई। होगी अपने राज के साथ, गुलछर्रे उड़ा रही होगी। नहीं मिस्टर जगदीश, वो राज के साथ नहीं है। राज ने ही हमें कंप्लेंट लिखवाई है कि शीतल गायब है और उसे शक है कि आप ही ने शीतल को कुछ कर दिया है। मैंने? हाँ। बकवास है ये सब, बकता है वो। थोड़ा अजीब नहीं लगता मिस्टर जगदीश? आपकी पत्नी ने ये चिट्ठी लिखने के बजाय टाइप की है और उन्होंने इसे साइन भी नहीं किया। क्या आपको यकीन है कि ये चिट्ठी शीतल ने भेजी है? क्या वाकई शीतल घर छोड़कर गई है? क्या हो सकता है गुस्से में आकर आप ही ने उनकी राज के साथ दोस्ती खत्म करने के लिए शीतल जी को खत्म कर दिया? या फिर अपने आप ये चिट्ठी टाइप करके अपने लेटर बॉक्स में रख दी ये जताने के लिए कि शीतल जी आपको छोड़ के चली गई है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मंगलवार की रात मिस्टर जगदीश, जब आपकी शीतल जी के साथ लड़ाई हुई थी उस वक्त घर पे कौन कौन था? आपके नौकर तो होंगे? मेरा सिर्फ एक ही नौकर है अर्जुन, और उसी दिन मैंने उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए कहा था। मैं नहीं चाहता था कि शीतल और मेरा झगड़ा कोई दूसरा सुने। ओ, तो मंगलवार की रात को आपका नौकर अर्जुन भी घर पर नहीं था? कब वापस आया अर्जुन? जी, शुक्रवार सुबह। यानी मंगलवार की रात से लेकर शुक्रवार की सुबह तक आप घर पर बिल्कुल अकेले थे? जी। तब तो ये मुमकिन है कि आप ही ने अपनी बीवी का खून कर दिया हो और उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया हो। क्यों? सर, सच बात ये है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई है राज के साथ, बस। आप हमें उस जासूस का पता दीजिए। क्या हुआ? सर, इस बिल्डिंग के मैनेजर का फोन आया था और कह रहा था दरवाजा बंद है और अंदर से बदबू आ रही है। अच्छा, संदेश मित्रा, प्राइवेट डिटेक्टिव। बहुत बदबू है। लाइट चालू करो। अरे, ये तो संदेश मित्रा है। लगता है काफी दिनों से मारा पड़ा है। गांव भी काफी गहरा लगता है। सुधाकर, फॉरेंसिक टीम को बुला लो। किसी ने जानबूझकर इन फिल्म को खराब कर दिया है ताकि इनकी तस्वीरें ना बन सके। सर, आंसरिंग मशीन। मिस्टर संदेश, मैं मुरली मोहन बोल रहा हूँ। मुझे आपसे एक केस के सिलसिले में अर्जेंट बात करनी है। जैसे ही आप ऑफिस आए मुझे फोन कीजिए। मेरा नंबर है 312-2212। चलो चलो। बुधवार से आप मेरे केस पर काम करना बंद कर दें मिस्टर मित्रा। बुधवार से आप अपना बिल मुझे भेज दें, मैं उसे पूरा चुका दूंगा। थैंक यू। Thank you.
जिसने भी संदेश मित्रा की जान ली है लगता है उसे कुछ तस्वीरों की तलाश थी। बाकी फोटोज और रोल्स तो उसे ठिकाने लगा दिए, लेकिन ये रोल संदेश मित्रा ने उससे बचा लिया। इसे डेवलप करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। मैंने संदेश की लाश का पोस्टमार्टम किया है, उसने सीधा सर पे वार किया है। मौत कुछ दिन पहले गुरुवार को हुई होगी। अरे ये आप मुझे ये यहां क्यों ले आए? आइए, सिर्फ एक पहचान करानी है और कुछ नहीं है। डॉक्टर सालुंके, उस फिल्म रोल पर जो तस्वीरें मिली थी क्या आप उन्हें दिखाएंगे प्लीज? हाँ क्यों नहीं, अभी प्रोजेक्ट करते हैं। सुधाकर जरा लाइट ऑफ करो। ये रोल एकदम नया है क्योंकि इसकी 36 में से सिर्फ दो फोटो खींची गई। ये देखिए, ये है पहली फोटो। इसमें आदमी की शक्ल बिल्कुल दिखाई नहीं देती, लेकिन औरत की शक्ल एकदम साफ है और घड़ी में टाइम भी दिखाई दे रहा है। और ये है दूसरी फोटो, इसमें भी औरत की शक्ल एकदम साफ है और घड़ी में 2 बज रहे हैं। इसका मतलब इस औरत पर 2 बजे हमला हुआ है। अरे ये तो शीतल है। ये मेरी बीवी ही है सर, शीतल ही है ये। देखिए सर, ये आदमी कौन है? ये आदमी जो शीतल पर हमला कर रहा है, सब झूठ है। अच्छी तरह से जानता है तू कौन है। अरे वो तू ही तो है जगदीश कुमार, वो तू ही तो है। मिस्टर राज, आप यहां? हमने आपसे कहा था ना, हम आपको फोन करके बुला लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। इंस्पेक्टर, ये हत्यारा है, आप इसे गिरफ्तार कीजिए। ये हत्यारा है। मिस्टर राज, मिस्टर राज, संभालिए अपने आप को। मैंने शीतल को कुछ नहीं किया सर, कोई और भी तो शीतल की जान ले सकता है ना। क्या पता इसी पागल ने उसकी जान ली हो। अच्छा, ये कातिल हो सकता है सर। मिस्टर राज जी, क्या आप पानी पियेंगे? हाँ, थैंक यू सर। आप लेफ्ट हैंडेड हैं? हाँ सर, मैं अपने सारे काम बाएं हाथ से ही करता हूं। देखा, अब आप ये फोटो देखिए मिस्टर जगदीश। इसमें कातिल ने मूर्ति बाएं हाथ में नहीं दाएं हाथ में पकड़ रखी है, मतलब कातिल राइट हैंडेड है। मिस्टर जगदीश, क्या आप भी मिस्टर राज की तरह लेफ्ट हैंडेड हैं या फिर राइट हैंडेड? जी नहीं, मैं राइट हैंडेड ही हूं। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि हो सकता है गुस्से में आकर आपने अपनी पत्नी का खून कर दिया हो। देखिए, बुधवार या गुरुवार को, फिर किसी तरह आपको पता चल गया कि जिस डिटेक्टिव को आपने रखा था उसी ने आपकी फोटो खींची शीतल का खून करते वक्त, तो आपने उसके ऑफिस में जाकर उसका भी खून कर दिया। मिस्टर जगदीश, अब कुछ ही समय की बात है, हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि ये फोटो कहां खींची गई थी। कौन सा घर है ये? मुझे क्या पता। फिर झूठ बोला इसी पिसाब, फिर झूठ बोला इसने। सर, ये इसका मड आइलैंड वाला बंगला ही है। मैंने ये घड़ी और ये दीवार वहां देखी है। सर, तू वहां क्या कर रहा था? मैं एक दो बार शीतल से वहां मिलने गया था। ओ, तो ये घर आपका है? हो सकता है सर। वैसे मड वाले बंगले में गए हुए सर मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है। अब इस बीच शायद शीतल ने एक नई घड़ी खरीद ली हो, दीवारों की पेंटिंग करवा दी हो, आई डोंट नो सर। मैंने कहा था ना मिस्टर जगदीश, बस कुछ ही समय की बात है, सब पता चल जाएगा। दया, जयंत, जाके बंगला चेक करो। ओह माय गॉड, कितनी बदबू है। अरे ये देखो, लाश पता नहीं कितने दिनों से सड़ रही है, खून इसी से हुआ होगा। VCR और म्यूजिक सिस्टम वैसे के वैसे ही हैं। लगता है कोई भी कीमती चीज चुराई नहीं गई है, मतलब खून का मकसद चोरी नहीं होगा। मोबाइल यहीं पड़ा है, बैटरी करीब करीब खत्म हो चुकी है, 18 मिस कॉल्स है।
फोन करने वाले को थोड़ी मालूम होगा कि दूसरी तरफ इंसान मरा पड़ा है। दया, इन मिस कॉल्स की लिस्ट बनाते हैं, मोबाइल कंपनी से पूछते हैं ये किस दिन, कौन से समय और किस नंबर से आए थे। सर, डॉक्टर सालुंग के डिपार्टमेंट में फोन करके उनकी टीम को यहाँ बुलाते हैं। हाँ, लाश और कमरे के फोटोज निकाल कर लाश का पोस्टमार्टम ही तो करना होगा। ये लाश भी काफी सड़ी हुई है और इसकी मौत भी गुरुवार को सुबह और शाम के बीच ही कभी हुई है। आपको याद है वो फोटोग्राफर संदेश, वो भी गुरुवार को ही मरा है। मगर फोटो में जो घड़ी है इससे तो साफ पता चलता है कि शीतल की मौत 2 बजे हुई, गुरुवार को 2 बजे। मतलब फोटोग्राफर संदेश का खून शायद इसके थोड़ी देर बाद ही हुआ होगा। वैसे भी वो बंगला इतनी सुनसान जगह पे है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वहां क्या हो रहा है, इसीलिए शीतल की लाश का कुछ पता नहीं चला। अच्छा, लाश के मोबाइल पर जो शीतल के मोबाइल फोन पर जो मिस्ड कॉल्स हैं उनका पता लगाया? हाँ, उनका पता लगवाया है। शीतल के मोबाइल फोन पर जो भी मिस कॉल्स है वो सारी गुरुवार दोपहर 2 बजे के बाद आई है। 2 तो उसकी सहेली अंजलि ने की है, बाकी सारी के सारी 16 कॉल्स राज ने की है, गुरुवार को, शुक्रवार को और शनिवार को। हाँ, वैसे भी राज ने तो कहा ही था कि वो लगातार शीतल को मोबाइल पे फोन करता रहा है। अच्छा, एक बात बताओ यार, जगदीश ने उसे एक बार भी फोन नहीं किया? नहीं सर, जगदीश ने शीतल के मोबाइल फोन पर एक भी फोन नहीं किया। बड़ी अजीब बात है ना सर, एक आदमी की बीवी अचानक उसे छोड़कर चली जाती है, एक चिट्ठी छोड़कर, वो भी हाथ से लिखी हुई नहीं, टाइप की हुई, और ये आदमी उसे एक फोन तक नहीं करता। कम से कम ये पता लगाए कि वो कहाँ है, कैसी है, किसके साथ है। हाँ दया, जगदीश बहुत रईस ही नहीं, एक गुस्से वाला घमंडी इंसान है। उसने सोचा कि जब शीतल उसे छोड़कर चली ही गई है तो फिर वो उसे फोन क्यों करे, या फिर यह भी मुमकिन है कि उसने सोचा अब शीतल को फोन करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि शीतल इस दुनिया में नहीं है। आपका मतलब? शायद उसे ही मालूम था कि शीतल मर चुकी है। यह है शीतल की फाइल, वो मेरे पास सितंबर से आने लगी थी अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में सलाह लेने। इस फाइल में उसके विजिट्स की सारी डिटेल्स हैं, जगदीश के साथ उसके सारे प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह, आई मीन फाइल में उसकी पूरी केस हिस्ट्री है। थैंक यू, ये हमारे काफी काम आएंगे। मिस्टर राज, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जी देखिए, हम ये तो पता लगा चुके हैं कि शीतल जी का खून गुरुवार को दोपहर के करीब 2 बजे हुआ था। आप हमें ये बताइए, गुरुवार को दोपहर 2 बजे आप कहाँ थे? गुरुवार को, गुरुवार की सुबह तो मैं घर पर ही था, उस दिन मुझे थोड़ा बुखार था और मैं घर पर आराम कर रहा था। दोपहर को तो मैं यहाँ था ऑफिस में, 2 बजे मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। आप जरा डायरी देख के बताएंगे मेरी किस क्लाइंट से मीटिंग थी? गुरुवार दोपहर 2:45 बजे सर, यही थी इनकी मिस्टर कारवाल के साथ मीटिंग थी। अच्छा। फिर शाम 4 बजे वो वापस घर चले गए क्योंकि इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, आप जरा हमें मिस्टर कारवाल का फोन नंबर और एड्रेस दे सकते हैं प्लीज? हम मिस्टर जगदीश से मिलते हैं। आइए, साहब इधर हैं। मिस मेहता, ये CID ऑफिसर्स हैं और ये मेरे वकील मिस मेहता। अरे, हमने अभी आपके खिलाफ केस बनाया भी नहीं है और आपने अपना वकील भी बुला लिया, इससे हम क्या समझे मिस्टर जगदीश? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, लेकिन मामला कुछ ऐसा ही है। आप लोग मेरे मुवक्किल पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जगदीश, इनके किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी आप पूछिए, क्या पूछना है आपको? मिस्टर जगदीश, आपके पास इस तरह के कोई कोर्ट्स हैं?
मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, शायद हो सकते हैं। अब इतने सारे कोर्ट हैं मेरे पास, अब हर एक कोर्ट की तो गिनती में रखता नहीं ना। हमारे पास आपके घर की तलाशी का सर्च वारंट है, ये देखिए। तुम हमारे आदमी को बेडरूम दिखाओ। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो और जितने भी कोर्ट्स हैं इस तरह के सब अपने साथ ले लो। चलो अपने साहब का बेडरूम दिखाओ हमें। आइए आइए सर। आप गुरुवार की दोपहर को 2 बजे कहाँ थे? जी सुबह तो मैं क्लब में ही था, करीब 12 बजे तक स्क्वाश खेल रहा था। आप वहाँ के मेंबर्स को पूछ सकते हैं। सुबह नहीं मिस्टर जगदीश, हम आपको दोपहर के बारे में पूछ रहे हैं। कहाँ थे आप दोपहर 2 बजे? जी क्लब से सीधा मैं घर आ गया था। आप ऑफिस नहीं गए? जी नहीं, पूरी दोपहर और शाम को भी मैं घर में ही था। इस बात की कोई गवाही दे सकता है? घर में आपके साथ कोई और था? मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरा नौकर अर्जुन छुट्टी पर था। मतलब इस बात को साबित नहीं किया जा सकता कि आप घर पर ही थे? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई थी, इसलिए मैं घर में बैठा शराब पी रहा था। अगर आपको यह लगता है कि शराब के नशे में मैंने शीतल का खून किया तो ठीक है, साबित करके दिखाइए आप। जगदीश प्लीज, बस चुप, बिल्कुल चुप हो जा। इसके आगे एक भी लफ्ज मत कहना। और आप लोग, आपके पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सो प्लीज प्लीज इन्हें परेशान मत कीजिए। देखिए, इनकी पत्नी की मौत का सबसे ज्यादा फायदा इन्हें ही होने वाला है, और इनके पास कोई सबूत भी नहीं जिससे यह पता चल सके कि जब शीतल का खून हुआ तब ये अपने घर पर थे। बस मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये आपके किसी भी सवाल का जवाब दे। सर ये कोर्ट्स मिले हैं सर, ये 2 बेडरूम में थे मगर ये ऊपर लॉफ्ट में एक ट्रंक में था। ये कोट तो मैंने पहनना ही बंद कर दिया था, मुझे तो पता भी नहीं कि ये कहां पड़ा था। अच्छा, कब से मिस्टर जगदीश? गुरुवार को अपनी पत्नी का खून करने के बाद से? मिस्टर जगदीश, इन कपड़ों की अच्छी तरह से फॉरेंसिक जांच की जाएगी। सर या? मैंने राज का बयान चेक किया है सर। गुरुवार को दोपहर 2 बजे वो अपने एक मरीज मिस्टर कारवालो के साथ में था। अच्छा, एक बात और है सर। क्या? हमें पता ही है कि राज लेफ्ट हैंडेड है, बायां हाथ इस्तेमाल करता है, जबकि खूनी राइट हैंडेड है। हाँ सर, अगर राज ने खून किया होता तो क्यों फोन करता रहता शीतल को? और जगदीश? सर ये जगदीश का थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा, एक तो उसके पास खून करने की बहुत बड़ी वजह है, दूसरे वो राइट हैंडेड है, और तीसरा सर गुरुवार की दोपहर को 2 बजे वो अकेला ही था, कोई गवाही नहीं है। फिर भी उसका वकील ठीक ही कह रहा था कि बिना किसी ठोस सबूत के जगदीश को सजा दिलाना बहुत मुश्किल है। अब हमारे पास सिर्फ ये तस्वीरें ही एक आखिरी रास्ता है। इन्हें इलाज करके देखो, बड़ा करके देखो, देखो कातिल की किसी चीज का कोई सुराग मिलता है क्या, अंगूठी, घड़ी, चेन, कुछ भी जो जगदीश को इस कत्ल से जोड़ सके। देखो, कातिल के हाथ पे घड़ी, अंगूठी वगैरह कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, शीतल के चेहरे का क्लोजअप देखते हैं, हो सकता है उसकी आंखों में कातिल का चेहरा नजर आ जाए। फिल्में ज्यादा देखने लगे हो आजकल दया। अरे भैया, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, कैमरे का रेजोल्यूशन इतना कभी नहीं होता। लो, खुद ही देख लो, तुम्हें कुछ दिखाई देता है तो? लड़की की आंख में कोई तस्वीर नहीं है। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? क्या बात है डॉक्टर साहब? ये कैसे हो सकता है भाई? पोस्टमार्टम करते वक्त भी मैंने नोट किया था, ये वहां नहीं होना चाहिए। क्या वहां नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब? मुर्दा कर चलो, शीतल की लाश का चेहरा फिर से देखते हैं। चलो देखा, मैं पहले ही समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये हो कैसे सकता है? आप लोगों को याद है फोटोग्राफ में शीतल के बाएं गाल पर तिल था, है कि नहीं? जोर से बोलो ना। हाँ सर, हाँ था। यहां देखो, अपनी आंखों से देखो, ये तिल दाएं गाल पर है। हाँ, है तो। ये कैसे हो सकता है, बाएं गाल से तिल दाएं गाल पर कैसे आ सकता है?
ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कहीं क्या? My God, हमें जगदीश के मर्ड वाले बंगले पे वापस जाना होगा। दया, कहीं से एक वैक्यूम क्लीनर का इंतजाम करना होगा। Why not? Let's go. फर्श को बहुत अच्छी तरह से वैक्यूम करो। फेड्रिक्स, तुम बाहर गार्डन में जाकर देखो, कहीं कुछ गाड़ कर छुपा दिया गया हो। जी। लाश यहीं पड़ी थी, ऐसे। यही वो दीवार है और यही वो घड़ी है जो दोनों फोटोग्राफ्स में थी। और यहाँ इस दीवार पर ये फ्रेम का दाग जैसा है, ये देखो, लगता है यहाँ कुछ होगा। क्या हो सकता है? किसी चीज को छुपाने की कोशिश की गई है। सर, मिल गया, हमारा शक सही था। सर, बाहर गार्डन में कुछ है। सर, हमें बताया तुम्हें क्या मिला है? फ्रेडरिक्स, आप लोग मुझे कहां ले जा रहे हैं? मुझे अपने वकील से बात करनी है। देखिए, वैसे भी आप मुझसे काफी सवाल पूछ चुके हैं और बिना सबूत के आप मुझे कहीं नहीं ले जा सकते हैं। मुझे अपने वकील से बात करनी है। हाँ, मिस्टर जगदीश, अपने वकील को भी बुला लेना, लेकिन थोड़ी देर बाद में। आपको सबूत चाहिए ना मिस्टर जगदीश? आपको सभी सबूत मिल जाएंगे जो उस कातिल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा देंगे, समझे? और मिस्टर जगदीश, इसके बाद आप हमसे कोई भी सबूत नहीं मांगेंगे। आपको विश्वास हो जाएगा कि हम सब कुछ जानते हैं। कत्ल के दिन आपकी कॉटेज में क्या क्या हुआ था? ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? कुछ नहीं मिस्टर जगदीश, ये एक छोटा सा टेस्ट है। मिस्टर जगदीश, जरा आप इस सामने वाले आईने में देख के हमें बताएंगे इस घड़ी में क्या वजह है? दो बजे और क्या? क्या बेकार का सवाल है? ये बेकार का सवाल नहीं है मिस्टर जगदीश, जरा पलट कर घड़ी की तरफ देखिए और बताइए कितने बजे। इसमें भी तो, अरे इसमें तो 10 बजे। हाँ, उस दिन भी यही हुआ था। हम आज तक यही सोचते रहे कि शीतल का खून गुरुवार के दोपहर 2 बजे हुआ था, लेकिन असल में उनका खून सुबह के 10 बजे हुआ था। हम आपको बताते हैं उस दिन क्या हुआ था। उस दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे जब खूनी यहां इसी कमरे में आपकी पत्नी का खून करने आया था। ये क्या कर रहे हो? ये क्या पहन के रखा है तुमने? अरे पागल हो गया क्या? अरे छोड़ो, खिड़की के बाहर से संदेश के सामने कमरे का शीशा था और शीतल के खून की जो दो तस्वीरें उसने खींची वो शीशे का रिफ्लेक्शन था, प्रतिबिंब। और खून करने के बाद कातिल लाश को यहीं छोड़कर सीधा बाहर भागा और वहां उसे पता चला कि किसी ने शीतल का खून करते हुए उसकी तस्वीरें खींच ली थी। वो सीधा संदेश के ऑफिस भागा। इससे पहले कि संदेश पुलिस को सब कुछ बताता, कातिल को उसे रोकना था और उस फिल्म के रोल को हासिल करना था। Thank you.
कातिल ने संदेश को मार तो दिया लेकिन उसे यह नहीं पता चला कि मरते मरते किसी तरह कातिल की नजर बचाकर उस फिल्म के रोल को संदेश ने अपनी टेबल के नीचे छुपा दिया था। और वो रोल हमें मिला, हमने उसे डेवलप किया और ये दो तस्वीरें हमें मिली। और हमें लगा कि खून गुरुवार को दोपहर 2 बजे हुआ था लेकिन असल में खून उसी दिन सुबह 10 बजे हुआ था। 10 बजे हाँ। नाउ एक्सक्यूज मी, वेट अ मिनट। आप दोनों को शक है कि शीतल का खून मैंने किया है और वो भी गुरुवार की सुबह 10 बजे, राइट? लेकिन गुरुवार की सुबह 10 बजे मैं क्लब में था, स्क्वॉश खेल रहा था और इस बात की गवाही क्लब के बहुत सारे मेंबर्स दे सकते हैं। हाँ, हम जानते हैं आप क्लब में ही थे, हम पता कर चुके हैं, लेकिन ये आपसे किसने कह दिया कि हमें आप पर शक है? मतलब ये मिस्टर जगदीश कि आप तो राइट हैंडेड हैं और हम ये समझ रहे थे कि कातिल भी राइट हैंडेड है। इस आईने ने पूरी तस्वीर पलट दी है, कातिल को लेफ्ट हैंडेड से राइट हैंडेड बना दिया है। कातिल ने अपना हथियार ऐसे पकड़ा था, यू। अब देखिए मैंने अपना बायां हाथ उठाया है और आईने में देखिए ऐसा लगता है कि मैंने अपना दायां हाथ उठाया है। इसका मतलब कातिल लेफ्ट हैंडेड था। खब्बू, मिस्टर राज, मैं? फिर आपने और एक चाल चली, आपने खुद ही पुलिस को यानी हमें बुलाकर मिस्टर जगदीश पर खून का इल्जाम लगाया। लेकिन उस वक्त आपको यह पता नहीं था कि संदेश ने वो रोल आपसे बचाकर छुपा दिया था, इसीलिए जब आपने शीतल जी के खून की तस्वीर देखी तो आपके हाथ पांव फूल गए। आप समझ गए कि संदेश ने वो तस्वीर आईने में खींची थी। उसके बाद आप यहां आए, शीशे के सभी टुकड़ों को बड़े ध्यान से साफ किया और बाहर गार्डन में गाड़ दिया। लेकिन आपने कांच के उन टुकड़ों को एकदम साफ नहीं किया। जब हमने वैक्यूम क्लीनर लगाया तो हमें कांच के बहुत से छोटे छोटे टुकड़े मिले। क्यों राज, तुमने शीतल का खून क्यों किया? नहीं सर, मैं शीतल को मारना नहीं चाहता था सर। मैं तो उससे शादी करना चाहता था। मंगलवार को वो जगदीश से लड़ने के बाद मड़ वाले बंगले पर गई थी। मैं वहां बुधवार को गया। मैंने उसे बहुत कहा कि मुझसे शादी कर ले, प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर ले। वो कहने लगी कि वो सोचेगी, लेकिन सर अगले दिन जाने क्या हो गया उसे कि वो जगदीश के पास वापस जाने की बात करने लगी और मुझसे कहने लगी कि अब हमें कभी नहीं मिलना चाहिए। और ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ? नहीं बर्दाश्त हुआ सर, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तो गुस्से से पागल हो गया था सर। इतना कुछ किया मैंने उस औरत के लिए और आज वो मुझसे कह रही है कि हमें कभी नहीं मिलना चाहिए। उस वक्त अजीब सा जुनून मेरे सर पर सवार हो गया था। मैंने वहीं से एक मूर्ति उठाई और उसके सर पर मारी। तुम्हें यह कैसे पता चला कि संदेश ने तुम्हारी फोटो खींची है? वहां भागते समय मुझे कैमरा की फिल्म का एक खाली डिब्बा मिला। मैंने अंदाजा लगाया कि ये जरूर वही जासूस होगा संदेश, जिसने पहले भी मेरी तस्वीरें खींची थी। मैं गया उसके ऑफिस और मैंने उसे मार डाला। लेकिन सर मैं शीतल को मारना नहीं चाहता था। मैं सच कह रहा हूं, मैं शीतल को मारना नहीं चाहता था सर। ये तुमने क्या किया राज, जिसका प्यार पाना चाहते थे उसी की जान ले ली? क्या क्या करते हैं लोग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।